अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज़ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? ये एक व्यू डिस्प्ले होता है या डिस्पर्शन जिसे कहते हैं, ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। यानी जब भी प्रिज्म में से वाइट लाइट पास होती है और वो अपने कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और जो हमें व्यूल डिस्प्ले देखने को मिलता है लाइट के कंपोनेंट्स का, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब लाइक हमारे पास वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, तो ये जो आपके पास सन से या इलेक्ट्रिक बल्ब से आने वाली लाइट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशंस। यानी इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ये रेडिएशंस पर मुश्तमिल होती है जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। जब ये लाइट पास करती है प्रिज्म से, देन इट इज़ सेपरेटेड इनटू अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये डिफरेंट रंगों में तब्दील हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, हमारे पास बेसिकली लाइट के दो तरह के कंपोनेंट्स उसमें डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, एक तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली और एक शॉर्टर वेवलेंथ वाली। जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली है वो आपके पास बेंड करेगी स्मॉलर डिग्री से, और जो लाइट के कंपोनेंट्स शॉर्टर वेवलेंथ वाले हैं वो ग्रेटर डिग्री से बेंड करेंगे। तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जो आप इस वक्त साथ वाली डायग्राम में देख सकते हैं कि एक वाइट लाइट है, जैसे ही वो प्रिज्म उसके पाथ में रख दिया गया तो वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड हो गई, और डिफरेंट आपको स्क्रीन पे डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट कलर्स के साथ वियलाइज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है एंड वायलेट है। तो दीज आर ऑल द स्पेक्ट्रम, दिस इज़ बेसिकली द वियलाइजेशन विच कम्स फ्रॉम द वाइट लाइट after dispersing through the prism, that is called a view display or dispersion, which is commonly called as spectrum. So एक तो ये आपने generally white light का spectrum देखा। दूसरा होती है हमारे पास electromagnetic spectrum। इसमें दो तरह के spectrum आ जाते हैं, एक visible और एक invisible spectrum। अब यहाँ पर हम electromagnetic spectrum की बात करें तो इसमें 7 regions होते हैं, जिसमें से एक ऐसा होता है जो visible होता है, जो हम आम नेकेड आइट से देख सकते हैं। यानी वो जो रीजन है वो है जी स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, जो विजिबल होता है और नेकेड आई उसे देख सकती है, और उस स्पेक्ट्रम को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान। इसके अलावा हमारे पास कुछ रेज ऐसी होती हैं जिनकी वेव लेंथ आपके पास वायलेट से बिलो होती है, इसमें अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज आ जाती हैं, और इन तमाम रेज की जो फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ग्रेटर होती है। जबकि इसके बरक्स जो रेड से ऊपर वाले होते हैं, अबव रेड, वो रीजन आपके पास इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स का होता है, और तमाम इस रीजन में जो आपके पास रेडिएशंस हैं वो हम आम आंख से नहीं देख सकते, दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। और ऐसी रेज जो स्पेक्ट्रम बनाएंगी उसे हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे। साथ में आपको बराबर में नज़र आ रहा है ये एक रीजन है पूरा, और ये आपको गैमा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स मिल रही हैं। ये डिफरेंट रीजन की हैं जिनका आगे फिर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है। प्रीवियसली आपने मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन स्टडी किया था कि किस तरह से ये आपस में इन्वर्स होते हैं। अब स्पेक्ट्रम की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, जैसे कि हम कोसे कज़ार देखते हैं रेनबो, वो ये बनाता है स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में एटम्स जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। सो हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से भी और शॉर्ट के अतबार से भी, या डिफरेंस के अतबार से भी। तो कॉन्टीन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है वो आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है जी? द स्पेक्ट्रम इन विच द रेज ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ्स डिफ्यूज इन टू वन अनदर एंड नो डेफिनेट बाउंड्री कैन बी ड्रॉन बिटवीन दैम इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट जो आपके पास रेज हैं जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है वो एक दूसरे में धंसे होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, और इस तरह डिफ्यूज़ होते हैं कि आप उनमें कोई डेफिनेट बाउंड्री तलाश नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे कोसे कज़ार में आप जब रंगों को देखते हैं तो आपको एक रंग दूसरे रंग में धंसा हुआ मिलेगा, तो आप सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ऐसा जो स्पेक्ट्रम होगा वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। सो ये रेनबो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एंड ये हासिल कैसे होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लाइट इमिटेड बाय द सन, या इनकंडेंसेंट जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनसे जो लाइट इमिट होती है
वो आपके पास उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, और ये प्रॉपर्टी है मैटर इन बल्क की, यानी अगर आपका मैटर ढेर सारी क्वांटिटी में है तो वो आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। सो आपने डेफिनेशन देखी, फिर फॉर्मेशन देखी, एग्जाम्पल देखी और कैरेक्टरिस्टिक देखा, तो ये चार पॉइंट्स इसमें आप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है जी लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम अटोमिक स्पेक्ट्रम है, और ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है इन विच डार्क एंड ब्राइट लाइन्स आर सेपरेटेड बाई डार्क आर ब्राइट स्पेसेस, इसको लाइन स्पेक्ट्रम, यानी नाम से ही जाहिर है एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें आपको लाइन्स मिलेंगी। अब वो लाइन्स या तो डार्क होंगी या वो ब्राइट होंगी। अगर वो डार्क लाइन्स होंगी तो वो उनके दरमियान ब्राइट स्पेसेस होंगे, और अगर ब्राइट लाइन्स होंगी तो उनके दरमियान डार्क स्पेसेस होंगे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसका ओरिजिन क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक एटम की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जब वोलेटलाइज होता है फ्लेम पर, यानी उसे हाई टेम्परेचर देते हैं और उसके वेपर्स बन जाते हैं, तो वो लाइट इमिट करता है, और उस लाइट को जब स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट किया गया जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनाकर देता है, तो पता चलता है कि डिस्टिंक्ट लाइन्स आर सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसेस, कि आपको वाजे किस्म की लाइन्स मिलती हैं जिनमें डार्क किस्म की स्पेस मौजूद होती है। ये नंबर ऑफ लाइन्स और उनके लाइन्स के दरम्यान का फासला डिपेंड करता है कि हमारे एलिमेंट का नेचर कैसा है। सो लाइन स्पेक्ट्रम में हमें लाइन्स मिलती हैं जो वाजे डिस्टेंस के साथ होती हैं, और उनमें उनका जो सारे के सारा इन्हसार है वो एलिमेंट की नेचर पर होता है। और ये बनती कैसे हैं, ये आप किसी भी गैशियस एलिमेंट को हीट करें या हाई टेम्परेचर पर ले जाएं या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो ये तमाम सबब बनेंगे हमारे पास लाइट के इमिट होने का किसी भी एलिमेंट में से, किसी भी कंपाउंड में से। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमारे पास लाइन या अटोमिक स्पेक्ट्रम बनेगा। सो इसमें एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम हमें दो येलो लाइंस देता है जो एक खास डेफिनेट डिस्टेंस के साथ सेपरेट होती हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो ये नंबर ऑफ लाइंस पर मुश्तमिल है जो एक खास डिस्टेंस के साथ मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में ये भी देखा गया कि जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी ये डिक्रीज करता जाता है, और एक खास वेवलेंथ के बाद स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस हो जाता है। वैसे तो इसका स्पेक्ट्रम लाइन ही है, लेकिन आपके पास ये फर्दर जो वेवलेंथ के कम होने पर, एक खास स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, वो ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है। बट आप एग्जांपल्स में जब इन्हें स्टडी करेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम की आप डेफिनेशन भी बताएंगे, साथ आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, फॉर्मेशन का जिक्र करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स बताएंगे। सो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी आप साथ बनाएंगे। लाइन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की फर्दर कोई टाइप नहीं होती, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं जिन्हें हम या तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आपसे यहाँ पर डेफिनेशन आ जाए लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, तो आप टाइप्स का जिक्र कर दें, और अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो इन दोनों में भी आता है, और जो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें भी आपस में कंपैरिजन पूछा जाता है। तो एक एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है और एक एमिशन का। तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें एब्जॉर्प्शन होगी, ऐसा स्पेक्ट्रम जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से हासिल हो, जो कोई सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करे, तो वो स्पेक्ट्रम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डार्क लाइंस ब्राइट बैंड से सेपरेटेड होती हैं, यानी हमें डार्क लाइंस मिलती हैं और दरमियान में ब्राइट बैंड्स होते हैं जो उन्हें जो है सेपरेट करते हैं। तो आपके पास एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, लाइक हमारे पास वाइट लाइट है, उसे आपने किसी सैंपल में से गुजारा, तो कुछ हिस्सा आपके पास रेडिएशंस का एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वो लाइट जब आपके पास प्रिज्म में से पास करेगी तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाएगी, और वो स्पेक्ट्रम किस किस्म का होगा, जैसे ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे सैंपल में से पास करने के बाद डिटेक्टर से गुजरती हैं, कुछ रेडिएशंस पास कर जाती हैं, बाकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो पास करती हैं वो स्पेक्ट्रम बनाएंगी, और वो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम होगा कि आपके पास जहाँ जहाँ डार्क स्पेसेस हैं आपके पास वहाँ से एब्जॉर्प्शन शो हो रही है, और बीच में जो आप ब्राइट स्पेसेस देख रहे हैं, यानी हर डार्क, आपको एक स्पेक्ट्रम, एक डार्क लाइन का स्पेक्ट्रम मिल रहा है जिसमें डार्क लाइंस हैं और उनके दरमियान जो फासला, जो डिस्टेंस है, वो ब्राइट स्पेस ने ले लिया है। तो हम कहते हैं कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें डार्क लाइंस मिले और वो सेपरेट हों आपस में ब्राइट बैंड से, तो वो हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी तरह इसके बरक्स है जी एटॉमिक या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब है कि जब कोई सब्सटेंस लाइट को इमिट करेगा एब्जॉर्ब करने की बजाय, तो वो स्पेक्ट्रम हमारा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। द स्पेक्ट्रम इन विच ब्राइट लाइन्स आर सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स, ये ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें ब्राइट लाइन्स जो हमें हासिल होती हैं और डार्क बैंड से वो सेपरेटेड होती हैं।
इसमें आप देखेंगे तो जब भी आपके पास कोई सब्सटेंस आप हीट करते हैं या उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारते हैं तो वो कुछ ना कुछ खास मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है। अब उनके पास में अगर आप डिटेक्टर रख दें तो जो रेडिएशन अब हमारे पास प्रोड्यूस होंगी वो ब्राइट लाइन्स पर बनाएंगी और अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ब्राइट लाइन्स मिल रही हैं और उन्हें सेपरेट किसने किया हुआ है, डार्क बैकग्राउंड ने यानी डार्क बैंड्स ने। तो ये स्पेक्ट्रम हमारा एटॉमिक एमिशन का स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब पोजीशन की बात की जाए या लाइंस के वेवलेंथ की बात की जाए, चाहे वो एमिशन में ले लें आप चाहे वो एब्जॉर्प्शन में ले लें, पोजीशन सेम रहती है। अगर आप एक मखसूस एलिमेंट की ही एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्टडी कर रहे हैं तो वो आपको पोजीशन हमेशा सेम मिलेगी लाइंस की। लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में वही लाइंस आपके पास ब्राइट हो जाती हैं जो एब्जॉर्प्शन में डार्क आपको नज़र आ रही हैं, अगर आप एक मखसूस एलिमेंट के लिए दोनों फिनोमेना स्टडी करेंगे। सो आप जब भी आपसे वो पूछ लिया जाए कि वाई द पोजीशन ऑफ द लाइंस बिकम अपीयर सेम इन एटॉमिक एमिशन एब्जॉर्प्शन, तो आप इसमें ये रीज़न बताएंगे कि एमिशन में ब्राइट लाइंस होती हैं और एब्जॉर्प्शन में डार्क होती हैं। अब आप यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ये डिफरेंसेस आपने ऑलरेडी देख लेने हैं क्योंकि यही सारे पॉइंट्स हमने अभी फर्दर डिस्कस किए हैं जो आपको कंपैरिजन में मिल रहे हैं। इसी तरह आपके पास लाइन एमिशन और एब्जॉर्प्शन का भी कंपैरिजन है, ये भी आपने इसी तरह स्टडी कर लेना है जो हमने पॉइंट्स पढ़े। इसमें एक ही पॉइंट आपको यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा कि आपके पास ये लाइन एमिशन का स्पेक्ट्रम तब बनता है जब सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में होता है, और जब सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता, अनएक्साइटेड स्टेट में होता, तो एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बनता है। सो ये बाकी आप देख सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करेगा और जो रेडिएशन एमिट करेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएंगी, और इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर में जाए और एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाए तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। बाकी पॉइंट्स आप ऑलरेडी जो है टॉपिक में देख चुके हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिस पर अलग नोट भी पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम क्या है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एमिशन को भी स्टडी किया गया। हाइड्रोजन की गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर फिल किया गया और देखा गया कि ये ब्लूइश लाइट इमिट करती थी। द लाइट व्हेन सीन थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर शोज मेनी नंबर ऑफ लाइंस जिन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है, और फिर इन लाइंस को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया जिसे स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दिया जाता है। और ये सीरीज जिन जिन साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया उन्हीं के नाम पर रखी गई। पहली है जी लाइमन सीरीज जिसका रेंज है यूवी रीजन, फिर है बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन, पास्कन सीरीज आईआर रीजन, ब्रैकेट सीरीज आईआर रीजन, फंड सीरीज, ये पैफंड नहीं अपने पढ़ना, पी साइलेंट है यहाँ पर, ये फंड सीरीज है दैट इज आईआर रीजन। तो पहली चार सीरीज को बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन रीज़न नहीं पता थी कि ये कैसे ये फिनोमेना इसको जस्टिफाई किया जाए। तो बोहर एटॉमिक मॉडल आया तो उसके बाद इस सीरीज पर भी काम हुआ और इस तरह से इनकी फर्दर जस्टिफिकेशन देखेगी। ये तमाम रीजन्स हैं हमारे पास कि हर रीजन में खास वेवलेंथ वाली आपके पास एमिशन की लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। अब हम देखेंगे कि इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर एटॉमिक मॉडल की बुनियाद पर। सो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी अगर हम बात करें तो जब हाइड्रोजन एटम हीट किया जाता है या उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से उठकर यानी N1 जिसे लोअर ऑर्बिट हम कहते हैं हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और हायर ऑर्बिट को N2 से डिनोट किया जाता है। वही इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के बाद वापस कम बैक करेगा और वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करेगा अब फोटोन ऑफ लाइट की सूरत में। सो उस दौरान हमें 5 सीरीज मिलती हैं जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज कब क्रिएट होगी, जब हमारा जो ऑर्बिट है लाइमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट का केस N1 इज द लोअर ऑर्बिट, जो केस है 1 है, यानी लाइमन सीरीज का के लिए आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर 2, 3, 4 किसी भी हायर ऑर्बिट से आकर 1 में अगर गिर रहा है तो जो वो रेडिएशन इमिट करेगा वो हमारे पास कौन सी रेडिएशन होंगी, एक तो उनका रीजन अल्ट्रावायलेट होगा और उन्हें हमें सीरीज के एतबार से लाइमन सीरीज कहेंगे। आप बराबर में ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट लेवल्स हैं जो धीरे धीरे इनका गैप कम होता जा रहा है और एक पॉइंट पर आकर ये कॉन्टिन्यूस हो गया जिसे हम इन्फिनिटी पॉइंट भी कहते हैं। N1, N2, N3, N4 ये लेवल्स हैं। अगर आपके पास 1 पर आकर कहीं किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहा है और ख़ास किस्म की रेडिएशन इमिट हो रही हैं, ख़ास किस्म के फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं लाइट के, तो वो लाइमन सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि पहली सीरीज आप देख रहे हैं। सेकेंड है जी बाल्मर सीरीज, उसकी लोअर लिमिट है 2, यानी अगर आपके पास 2 ऑर्बिट में आकर हायर से कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, 2 से हायर क्या होगा नेक्स्ट, पहली पॉसिबल लाइन क्या होगी कि 3 से आकर गिरे या 4 से आकर गिरे या 5 से आकर गिरे, तो आपके पास ये सीरीज जो फोटोन क्रिएट करेंगी उनकी जो रेंज होगी उसका स्पेक्ट्रम का जो रीजन होगा वो विजिबल होगा,
और सीरीज को हम बार्मर सीरीज कहेंगे। इसी तरह पास्कल सीरीज के लिए लोअर लिमिट है 3, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हायर ऑर्बिट यानी 4, 5, 6 से आकर गिरे तो जो सीरीज क्रिएट वो करेगा उसे हम पास्कल सीरीज कहेंगे, और वो रीजन जो आपके पास जो रेडिएशन क्रिएट होंगी उनका रीजन इंफ्रारेड होगा। इसी तरह ब्रैकेट की बात करें तो उसका लोअर लिमिट 4 है, और 4 में आपके पास 5 से पहला इलेक्ट्रॉन गिर सकता है, फिर 6 अप टू सो ऑन, और रीजन इंफ्रारेड। इसी तरह फंड सीरीज का आपके पास 5 है लोअर लिमिट, और 6, 7, 8 अप टू सो ऑन से इलेक्ट्रॉन अगर 5 में आकर गिर रहा है तो जो फोटॉन्स एमिट होंगे उनका रीजन इंफ्रारेड होगा, और उनकी सीरीज क्या होगी? फंड सीरीज। लाइमन बेसिकली रीजन नहीं जानता था कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन डिस्कवर उन्होंने करके बता दिया। बाल्मर सीरीज 1887 में डिस्कवर हुई। फर्दर इनसे निकलने वाले बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम फर्दर देखेंगे। अब एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर ए, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, एंड यानी आप स्पेक्ट्रम बताएं और दोनों स्पेक्ट्रम के दरमियान डिफरेंस वाजे करें। और बी पार्ट है जी लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब अटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और अटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कंपेरिजन आपने लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और तीसरा है जी व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के ओरिजिन से मुराद है आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आप स्पेक्ट्रम पहले बताएंगे और देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन और सारी डायग्राम भी बनाएंगे, और ये जो है सीरीज भी रीजन्स के साथ और ऑर्बिट्स के साथ शो करेंगे। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।